तीसरा टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में लग रहा था कि पहुंचेगा जरूर। भारत ने जिस तरीके से 445 रन बनाए थे और निश्चित तौर पर भारतीय बैटिंग तो अच्छी रही थी, लेकिन गेंदबाजी की बात करें या फिर विकेट का दोष कहें, इंग्लैंड एक मजबूत जवाब दिया है। अभी तक 2 दिन का खेल खत्म हुआ है और इंग्लैंड भी बेहतर स्थिति में, केवल 2 विकेट उसने खोए हैं और 207 रन उसे स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं, लेकिन 238 रन पीछे जरूर इंग्लैंड अभी भी है। लेकिन जिस तरीके का दोस्तों विकेट खेल रहा है ना, उसमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ होने वाला है या फिर क्या इस विकेट पर 40 विकेट निकलेंगे, बड़ा मुश्किल है। रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट निकाला है और 1 विकेट मिला है मोहम्मद सिराज को। और जहां तक बैटिंग की अगर बात करें इंग्लैंड के लिए, तो इसमें बेन डकैत आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, बिल्कुल 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट उनका था, लगातार बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की है तेज, भारतीय बॉलर्स को बिल्कुल बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, चाहे वो कोई भी पेसर्स रहे हों। खासतौर से सिराज की जमकर के तोड़ाई की है और इसमें रविंद्र जडेजा भी खासे महंगे साबित हुए हैं, लेकिन 238 रन तीसरे दिन जब खेल शुरू होगा तो देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है इस टेस्ट मैच में। लेकिन मुझे लगता है जहां तक बीसीसीआई ने इस तरीके का जो विकेट दिया है, कहीं ना कहीं खौफ जरूर रहा है इंग्लैंड का भी। उसकी बॉलिंग अच्छी चली है और भारत की जो टीम है इसमें युवा खेल रही है, और रोहित शर्मा को आप छोड़ दें तो कोई भी इस टीम में सीनियर्स बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी उनके पास नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि बीसीसीआई ने सोचा हो चलिए इस सीरीज हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती चली जा रही है और इस पर थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक दिया जाए ताकि टेस्ट ड्रॉ हो, और कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। विकेट में अभी 2 दिन होने के बावजूद भी बिल्कुल भी स्पिन विकेट नहीं हो रहा है ना, तो पेसर्स को बहुत ज़्यादा मदद है। जैक क्राउले जरूर आउट हुए जल्दी 15 रन बनाकर, लेकिन 133 नॉट आउट शतक लगाया है। बेन डकैत ने बहुत बेहतर खेल रहे हैं, उनके साथ हैं जो रूट 9 रन बना करके, और ओली पॉप 39 रन बना करके, मोहम्मद सिराज ने उनको LFW आउट किया है। तो आखिर में जरूर भारत को दिन खत्म होते होते दूसरा विकेट मिला है, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग बड़ी मजबूत है। जॉनी बेयरस्टो का भी आना बाकी है, रूट और बेन डकैत ऑलरेडी अभी क्रीज पर टिके हुए हैं, बेन फोक्स हैं और जेम्स एंडरसन को छोड़ दें तो फिर पूरी इंग्लैंड की टीम है बैटिंग करना जानती है। वो चाहे रेहान अहमद हों, कटले हों, सब बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब इस टेस्ट मैच में उम्मीदें मुझे लगता है कि शायद ड्रॉ के लिए जाएगी। यदि कल इंग्लैंड ऑल आउट नहीं होती है और भारत लीड नहीं ले पाती है तो फिर टेस्ट मैच आप मान करके चलिए कि ड्रॉ चला जाएगा। और भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा का 131 रन, 112 रविंद्र जडेजा और सरफराज खान ने बहुत बेहतर बैटिंग की थी जिसकी बदौलत भारत इतने बड़े स्कोर तक पहुँचा है। और ध्रुव रोल को करें तो केस भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर नजर आए हैं बैटिंग की जहां तक बात है, कीपिंग भी उनकी ठीक ठाक रही है। तो भारत अब देखते हैं कि जब शुरू होगा मुकाबला तीसरे दिन का, तो भारत को कोशिश करनी चाहिए जो पहला सेशन है वहां पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। स्पिन अगर होगी तो निश्चित तौर पर एक तरफ से रविंद्र जडेजा या फिर कुलदीप यादव को कप्तान रोहित शर्मा जरूर ट्राई करेंगे, लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे, अच्छी टेक्निक के साथ इंग्लैंड ने जवाब दिया है भारत का। और उम्मीद करते हैं कि जब दिन की शुरुआत हो, मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि भारत पहले सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाले ताकि लंच तक ऑल आउट कर सके इंग्लैंड को, ऐसा सोच रहे हैं हम, लेकिन क्या कल ऑल आउट कर पाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है। कॉमेंट करके आप भी बताइएगा क्या ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा या फिर भारत बीसीसीआई जो है वो डरा हुआ सहमा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी बैट्समैन बहुत बड़ा खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा है सिवाय कप्तान रोहित शर्मा के। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जरूर बताइएगा।